हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 10वीं क्लास के लिए विषय या स्ट्रीम का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 10th के बाद व्यावसायिक शिक्षा में जाना चाहते हैं, यानी आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हम आपको कुछ कोर्स बता रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग। सूचना क्रांति और कंप्यूटर के युग में यह एक सही विकल्प है। इस फील्ड में आप कंप्यूटर रिपेयर और नेटवर्किंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो एक अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक हो सकता है। होटल मैनेजमेंट। यदि आपको इस क्षेत्र में करियर बनाना हो तो आप 10वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। इसमें आप विदेश यात्रा तक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा। कई सारे संस्थान एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाते हैं। इनको करने के बाद आपको डायरेक्ट BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है, या आप इस क्षेत्र में नौकरी भी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग। आप 10वीं के बाद स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों में 11वीं के बाद और 12वीं के बाद भी स्टेनोग्राफी एक विषय के रूप में चुन सकते हैं। स्टेनो एवं टाइपिंग का कोर्स करके स्टेनो की जॉब आसानी से मिल जाती है। न्यायालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में इस तरह की विज्ञप्ति निकलती रहती है। ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अगर आप 10वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपको जल्दी और अच्छी जॉब मिल जाए, तो आप ITI कर सकते हैं। ITI आप बहुत से विषयों में कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, मैकेनिक, स्टेनो, कंप्यूटर आदि। तो ये थे कुछ प्रोफेशनल कोर्स जिसको करने के बाद आप जल्दी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं करने के बाद आप सीधे सीधे कहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं।